आमतौर पर हम जिन चीज़ों को हेय दृष्टि से देखते हैं, जिनके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते, ऐसी ही कुछ चीज़ें तंत्र शास्त्र में बहुत महत्व को पाए हुए हैं और उन्हीं में है वीर्य। वीर्य के टोटके और वीर्य के टोने बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। वीर्य के द्वारा अब बहुत ही लोगों को वशीकृत भी किया जा सकता है। मैं किसी भी तरह से इस तरह की साधनाओं का समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ज्योतिषी हूँ और ज्ञाता हूँ बहुत से विषयों की, इसलिए जानकारी मैं आपको देती हूँ। जो साधनाएँ गृहस्थियों के लिए उपयुक्त लगें उन साधनाओं को अपनाएं। लेकिन मैं ऐसा देखती हूँ कि बहुत से लोग शमशान की साधनाएँ भी बताते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि शमशान की राख की साधना ना करें, क्योंकि ये गृहस्थों के लिए प्रशस्त नहीं है। शमशान अपने आप में वैराग्य का स्थान है, और जब किसी भी मनुष्य के मन में शमशान की साधना की बात जागृत होती है, तो कहीं ना कहीं उसका शनि प्रबल हो जाता है। तो इसलिए शनि को प्रबल ना करें और इस तरह की साधनाएं ना करें। मैं आज आपको जो साधना बता रही हूँ, वीर्य के कुछ टोटके बता रही हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ जानकारी भर देने के लिए आपको बता रही हूँ। आप इसे करें या ना करें आपकी निजी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन ये वैराग उत्पन्न करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वीर्य और जो रज है वो सृष्टि का आरंभ है। कोई भी चीज़ सृजनात्मक रूप से तभी होती है जब उसमें शुक्र और रज दोनों मिश्रित हों। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि जिन लोगों का शुक्र बुरी तरह से ख़राब है, बुरी तरह से ख़राब है, निष्फल ही है समझ लीजिए जन्मपत्री में, तो वो लोग अपना वीर्य बर्बाद ना करें। इसके अलावा जो स्त्रियाँ भी पुरुषों के चक्कर में पड़ जाती हैं शादी से पूर्व भी, लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, तो उनका बृहस्पति बुरी तरह से ख़राब होता है और शुक्र भी बुरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो मैं हमेशा से आपको सही मार्ग पर चलने का संदेश देती हूँ। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखें। सामाजिक मर्यादा तोड़ने में तो क्या है, एक झटका लगता है कि कोई हम क्यों परवाह करें किसी की, कोई होता कौन है कोई हमारे बारे में कुछ, भाई कुछ भी करो आप लोग। लेकिन अगर आप सामाजिक मान सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, सामाजिक दायरे में जीना चाहते हैं, तो ऐसा करने से आपका बृहस्पति और चंद्रमा बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं। जो लोग नियम कायदों का पालन करते हैं, किसी भी तरह से ऐसा कोई कृत्य नहीं करते जो किसी भी तरह से हम उसको निम्न श्रेणी में मानते हैं, तो आपका सूर्य भी अच्छा होता है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे प्रयोग जो वीर्य से संबंधित है और जिनका शुक्र बुरी तरह से ख़राब हो चुका हो, वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन वीर्य का ये टोटका उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर भी हो सकता है। ऐसा कहा गया है, ये ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो मनुष्य वीर्य का तिलक करता है वो राजा के समान शक्तिशाली बनता है। वीर्य यदि किसी स्त्री के कपड़ों पर लगा दिया जाए तो वो उस पुरुष के प्रति पागल सी हो जाती है, पागल सी से शब्द है कि वो उसके पीछे इतनी मोहित हो जाती है कि उसको उस मनुष्य के अलावा कोई दूसरा नज़र नहीं आता है। तो ऐसे मनुष्य जिनकी पत्नियाँ उनके साथ दगा करती हैं, ऐसी पुरुष उनकी पत्नियाँ उनके कहने में नहीं है, वश में नहीं है, उनको प्यार नहीं करती, उन्हें धोखा दे रही हैं, तो वो ये प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रयोग को जिसको सामान्य तौर पर हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन यदि उसको आप अपनी भलाई के लिए करते हैं तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। बाकी फिर भी आप स्वयं निर्णय लीजिए कि आपको कोई प्रयोग करना है या नहीं। यहाँ मैं सिर्फ आपको जानकारी भर देने के लिए बता रही हूँ। तो ये प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वीर्य क्या है, वीर्य साक्षात शुक्र है, और शुक्र की कोई भी धातु इससे जो भी होगी वो सेकंड नंबर पर ही आएगी, फर्स्ट नंबर पर वीर्य है। इसी प्रकार से जिनको साहस में कमी लगती है, जिनको लगता है कि उनका बार बार झगड़ा होता है, एक्सीडेंट होता है, उनको हर तरह से मंगल से संबंधित अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, मंगल की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लड़कों का विवाह शुक्र की वजह से नहीं हो पाता है और स्त्रियों का जो विवाह है बृहस्पति, और विशेष रूप से दोनों ही केस में मंगल का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है, और जो लोग अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं उसमें तो चंद्र मंगल का अच्छा होना जरूरी ही जरूरी है, क्योंकि बिना हिम्मत के कोई लव मैरिज नहीं कर सकता। तो अगर आपका मंगल ही आपके विवाह में आड़े आ रहा है, या विवाह होने के बाद मंगल की वजह से आपका अक्सर झगड़ा और अलगाव होता रहता है, तो आप रक्तदान करें। रक्तदान, रक्त क्या है, मंगल है, चंद्र मंगल है, तो मंगल को अच्छा करने के लिए, मंगल की शुभता को बढ़ाने के लिए रक्तदान करें। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा जिसको जैसे संतानोत्पत्ति के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है, या स्त्रियों को भी आजकल दूध मिल्क बैंक भी हैं कई जगह, तो जिनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनका अमावस्या का जन्म है, जिनका चंद्रमा उनको जीने नहीं दे रहा है, हर वक्त पागलों जैसा उनका हाल हो जाता है, सोच सोच के बेहाल हो जाते हैं, मन में हमेशा नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो वो किसी को भी दुग्ध दान कर सकते हैं।
स्वयं का दूध दान करें, ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा ऐसा बच्चा जो अनाथ हो चुका है, जिसकी माँ उससे दूर हो चुकी है, ऐसे बच्चे का पालन पोषण करके अपना दूध पिलाना बहुत ही पुण्य का काम है, और ऐसा करने से उस स्त्री का चंद्रमा उसको रानी महारानी जैसे वैभव देता है। ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो यहाँ आज जो मैंने जानकारी दी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मैं हूँ उमाश्री, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। इसी तरह से चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबा दीजिए। इसके अलावा कुंडली परामर्श आप ले सकते हैं, 21 में एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है। बिना देरी के संपर्क करिए। अगर आप ऑफ़र का लाभ चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल कोई ऑफ़र नहीं है। अभी 21 में एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है, फिर भी काफ़ी कम है। आप कंपेयर करेंगे तो हम नॉमिनली चार्जेस आपसे लेते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से आपका धन की बर्बादी करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप बेमन से पैसा देवें, हम चाहते हैं खुशी खुशी आप अपना अमाउंट जमा कराएं, खुशी खुशी आप परामर्श ले में, इसीलिए नॉमिनल चार्जेस हमने रखे हुए हैं। तो बिना देरी के संपर्क करिए, एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है।